नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ रवीश। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम जिन्हें सीबीआई ने समन भेजा था, आज वो सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। सिसोदिया ने पेश होने के लिए सीबीआई से वक्त मांगा है। उनका कहना है कि अभी वो बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं। फरवरी के अंत में पूछताछ के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि सीबीआई मेरे अनुरोध को मानेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने वक्त मांगा है। उनका कहना है कि वो बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं। फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मनीष सिसोदिया के बयान पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने निशाना साधा है। हरीश खुराना ने कहा है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। मनीष जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक हफ्ते का समय मांगा है पेश होने के लिए सीबीआई से। अब सीबीआई समय देता है या नहीं देता वो तो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा मानना यह है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। आप जिस प्रकार से कल तक कहते थे कि घोटाला हुआ ही नहीं, हमारा मानना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराई लग रही थी। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है, उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको उस समय चाहिए और एक हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। हमारा मानना है बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो आपको पेश होना ही और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। तो मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि वो बजट बनाने में व्यस्त हैं, फिलहाल बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए वो पेश नहीं हो पाएंगे। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, कल मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सीबीआई ने उनको समन भेजा है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो पूरी तरीके से जो है उनको मदद करेंगे, जो भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आज सुबह वो जो ट्वीट था उससे पलटते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। देखिए बिल्कुल रवीश, आज सुबह सुबह मनीष सिसोदिया ने अपने घर के बाहर आकर मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले वो उनका मन था कि वो बजट पहले वो उन्होंने कल ही कहा था कि वो सीबीआई के सामने आज 11 बजे पेश होंगे, लेकिन पार्टी की कुछ इंटरनली मीटिंग हुई होगी या फिर जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल उनसे मनीष जी की कुछ बात हुई होगी और उसके बाद ही डिसाइड किया गया कि आज वो सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे, पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। हालाँकि उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो सीबीआई को भेजा है जिसमें कहा गया है कि वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं, ऐसे में मार्च में दिल्ली का बजट पेश होना और बजट ये फरवरी का जो आखिरी वीक है वो चल रहा है और ये दिन जो है वो काफी उनके लिए इंपोर्टेंट है। नमित, ये बात मनीष सिसोदिया को कल पता नहीं थी कि वो वित्त मंत्री भी हैं दिल्ली के, कल ये बात पता नहीं थी उनको जब उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि सीबीआई को मैं पूरा सहयोग करूंगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी उनको होगी, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा अगर किसी पार्टी का बड़ा लीडर लेता है तो उससे ठीक कुछ घंटों पहले पार्टी की इंटरनली कुछ मीटिंग्स भी होती हैं। हो सकता है कि शायद उस मीटिंग में डिसाइड किया गया हो कि मनीष सिसोदिया आज सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। यही वजह है कि जो बीजेपी को एक मौका मिल गया और बीजेपी कह रही है कि बजट का तो ये सिर्फ बहाना लगाया गया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्च में दिल्ली का बजट जरूर आएगा और ठीक उससे पहले एक महीने पहले यानी कि बजट से एक महीने पहले जो वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी होते हैं उनसे मंत्री जो है वो लगातार मीटिंग करते हैं, क्रूशियल मीटिंग वो रहती हैं, इंटरनली मीटिंग वो रहती हैं और यही वजह मनीष सिसोदिया ने बताई है कि वो लगातार एक एक दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, मीटिंग्स में वो बिजी रहने वाले हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर जो सीबीआई को भेजा है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि फरवरी के आखिरी तक वो जो पूरा प्रपोजल होता है दिल्ली सरकार के बजट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे, उसके बाद वो कोई भी डे जो है सीबीआई उनको दे दे उस दिन आकर वो पूछताछ में शामिल होगा। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया के घर की थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि कुछ देर पहले ही
न्यायाधीश मनीष सिसोदिया अपने घर से बाहर आए थे और उन्होंने मीडिया को ये सारी जानकारी दी थी, क्योंकि कल जब मनीष सिसोदिया को समन किया गया था सीबीआई के द्वारा, उस वक्त भी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ही सबसे पहले मीडिया को और पूरे देश के लोगों को ये जानकारी दी थी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम आई है या फिर ईडी ने उनसे पूछताछ की है, हर बार उन्होंने ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी दी है, क्योंकि गाजियाबाद के जब बैंक लॉकर की उनकी जांच पड़ताल की गई थी उस वक्त भी उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट लेटर जो भेजा गया है सीबीआई को मनीष सिसोदिया की तरफ से, उस पर सीबीआई का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या सीबीआई इनको कोई वक्त देती है, आगे की कोई तारीख देती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल नमित, बहुत बड़ा सवाल है और आपके पास में दोबारा लौटूंगा। मनीषा ढिंडोरिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से मनीषा जुड़ रही है। मनीषा, कल ये खबर आई थी कि जब समन उनको बुलाया, सीबीआई ने समन भेजा मनीष सिसोदिया को, और मनीष सिसोदिया जाएंगे सीबीआई में पूछताछ के लिए, एक मार्च भी होगा, पैदल मार्च भी होगा, लेकिन अब तो वो जा नहीं रहे सीबीआई के समन के उसमें, तो अब क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुख है? जी रवीश, देखिए इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर ही मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कोई कार्यकर्ता तक यहाँ पर मुझे खड़ा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से जो है समय मांगा है और कहा है कि मुझे एक हफ्ते का और समय दीजिए, ताकि मैं अभी बजट जो दिल्ली में पेश किया जाएगा उसको थोड़ा ढंग से और देख लूँ, क्योंकि केंद्र में जो है बजट पेश करना है और दिल्ली में अभी वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है वित्त मंत्री होने के नाते, और 27 फरवरी तक का उन्होंने समय मांगा है और 27 फरवरी को कहा है कि सीबीआई के हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा और मैं खुद से वहां जाऊंगा और खुद से जाके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। इस पर देखिए जिस तरीके से हम रिएक्शन भी देख पा रहे हैं, बीजेपी के हरीश खुराना जो कि दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी है, उन्होंने कहा है कि बजट तो सिर्फ बहाना है, मनीष सिसोदिया की जो लैंग्वेज है उसी से, बॉडी लैंग्वेज से हम जान पा रहे हैं कि वो सवालों से घबराए हुए हैं और सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए थोड़ा समय मांग लिया है ताकि समय मिल जाए और सवालों का जवाब देने के लिए प्रिपेयर हो जाए, इसलिए बजट का जो है वो बहाना बना रहे हैं लगातार। जी मनीषा, आप हमारे साथ बने रहिए, नमित भी हमारे साथ बने हुए और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर खड़े हैं। नमित, हम देख रहे हैं आजकल जो भी पॉलिटिशियंस है वो ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि चाहे हेमंत सोरेन की हम बात करें, उनको जब नोटिस जाता है ईडी का, वहां पे वो भी कहते हैं कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा, कुछ दिनों का मैं टाइम लूंगा। अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, वो भी डिले टैक्टिक्स को यहाँ पे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, हालांकि इससे पहले जितनी भी बार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है या फिर ईडी ने उनकी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, वो हर बार शामिल हुए हैं। इससे पहले जैसा मैं जिस बात का भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि गाजियाबाद में जब उनके बैंक लॉकर की जांच पड़ताल की गई थी, तो मनीष सिसोदिया खुद अपने बैंक लॉकर में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपने बैंक लॉकर की जांच पड़ताल की थी। सीबीआई की टीम भी जब मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची थी, तकरीबन 10 से ज्यादा घंटों तक उनके घर की छानबीन की गई थी, उसमें भी कुछ नहीं मिला था। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अभी तक जितनी पूछताछ सीबीआई ईडी ने की है उसमें कोई साक्ष्य सबूत जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि इस तरीके के बहाने जो है कई पॉलिटिशियन लेते हैं, लेकिन जो मनीष सिसोदिया ने तर्क दिया है, यानी कि बजट की बात इन्होंने कही है कि मार्च में बजट पेश होना है, वो जो चिट्ठी लिखी है रिक्वेस्ट लेटर में जो वजह बताई गई है ना पेश होने की, उस पर सीबीआई का क्या रेस्पॉन्स रहता है, सबकी निगाहें अब उस पर टिकी हुई है। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि सीबीआई उस लेटर को देख रही है और उस वजह को जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वजह जो बताई गई है कि दिल्ली में बजट पेश होना है, क्या वो वाकई में है वो वजह, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीबीआई अब इस चीज पर क्या रिस्पॉन्स करेगी, ये सबको इंतजार है। लेकिन ये जो दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला है, ये काफी दिनों से चल रहा है, इसमें कई लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, ईडी के द्वारा भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 फरवरी की 2023 की बात करें, उस दौरान भी ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई ऐसे लोगों का नाम था। विजय नायर की बात करें, उनसे भी सीबीआई और ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये कोई नया मामला नहीं है, ये मामला तो काफी पुराने से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन यहां पर इससे पहले जितनी भी बार सीबीआई ने पूछताछ की है मनीष सिसोदिया ने, उसमें तो पूरा सहयोग दिया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था जो मनीष सिसोदिया का मंत्रालय है, वहां पर भी सीबीआई की कुछ टीम पहुंची थी, वहां से भी कुछ कागजात जो है उन्होंने इकट्ठे किए थे। और ये जो कल समन किया गया था मनीष सिसोदिया को, सीबीआई की तरफ से यही कहा गया था कि पिछले कुछ दिनों में उनको कुछ ऐसे साक्ष्य सबूत मिले हैं जिनके आधार पर यह समन किया गया। हालांकि आज मनीष सिसोदिया पेश नहीं हो रहे, लेकिन इंतजार है कि क्या सीबीआई से उनको कोई अगली तारीख मिलती है, और तारीख मिलती है तो वो कब मिलती है, क्योंकि फरवरी का आखिरी वीक चल रहा है, ऐसे में मार्च में बजट भी पेश होना है, तो वो तारीख कौन सी होती है, और क्या वो तारीख अगर मिलती है तो क्या वो बजट के आसपास रहे, क्योंकि मार्च के महीने में दिल्ली की सरकार का बजट भी पेश होना है, उस दौरान क्या मनीष सिसोदिया पेशी के लिए जाएंगे।
नमित, अब यहाँ पे बड़ा सवाल तो यही है जो कि आप भी बोले, तो सीबीआई के रिस्पांस पर अब डिपेंड करेगा, क्योंकि सीबीआई तो अपने तरीके से काम करेगी। 10 दिन 12 दिन अगर देखा जाए, बजट मार्च में आएगा, आज 19 फरवरी का दिन है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया 2 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं, 10 से 12 दिन का टाइम मांग रहे हैं कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि रवीश उसके पीछे 2 वजह हैं। पहला ये कि जब मार्च में बजट पेश होना है तो बजट से पहले 15-20 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस बात की जानकारी मैं पहले दे रहा था कि बजट जब आता है तो उससे 1 महीने पहले तक जो इंटरनली मीटिंग है वित्त विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ वित्त मंत्री करते हैं, और यही वजह है कि जो आखिरी के क्रूशल दिन होते हैं यानी कि 15 से 20 दिन, वही समय मनीष सिसोदिया ने मांगा, और यही उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर में भी बात कही है कि जो आखिरी के जो फरवरी के आखिरी दिन है यानी आखिरी डेज हैं वहां पर उनको समय दे जाए। फिलहाल देखिए थोड़ी सी एक्टिविटी यहां पर तेज हुई है, दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी यहां पर पहुंची है, क्योंकि इंतजार अब सब मीडिया कर्मियों के भी यहां पर है कि जो सीबीआई की तरफ से उस लेटर रिक्वेस्ट लेटर पर क्या रेस्पॉन्स जो है वो किया जाता है। क्योंकि देखिए ये तस्वीर थोड़ा सा दिखा दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को पहले से ही यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया था, क्योंकि पिछली बार जब मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए थे तो वहां पर काफी हा हल्ला हुआ था, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ गए थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ही यहां पर बैरिकेडिंग और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया गया था। लेकिन जो जानकारी सुबह सुबह मनीष सिसोदिया ने अपने घर से बाहर आकर दी कि वो आज पेश नहीं होंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा माहौल यहां पर हल्का हुआ है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहां से पीछे के लिए कहा गया है, लेकिन इंतजार अब उसी चीज का हो रहा है रवीश कि सीबीआई क्या उस रिक्वेस्ट लेटर पर रिस्पॉन्स करेगा। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि सीबीआई उस रिक्वेस्ट लेटर पर क्या रिस्पॉन्स देती है। मनीषा डिडोरिया भी हमारे साथ बनी हुई है और वो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर है। मनीषा, वैसे तो आज क्योंकि संडे का दिन है, पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि दफ्तर में कोई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी कुछ बात हुई होगी कार्यकर्ताओं से, उनका क्या कुछ कहना है सीबीआई के इस समन को लेकर, क्योंकि पहले भी समन गए, पूछताछ भी मनीष सिसोदिया से, और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कुछ निकल कर नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए बात तो हमारी हुई थी तमाम लोगों से, उनका यही कहना है कि सीबीआई जिस तरीके से बार बार मनीष सिसोदिया को बुला रही है, परेशान कर रही है, और जो शराब नीति जो घोटाला ये लोग बता रहे हैं ऐसा मनीष सिसोदिया की तरफ से कुछ नहीं किया गया, और मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनको कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक ये एजेंडा चलाया जा रहा है और ये जो है तानाशाही है, और ये लगातार जो है आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज मनीष सिसोदिया बेशक पेश ना हो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो 27 फरवरी को खुद से जाएंगे और खुद से हर सवाल का जवाब देंगे। यहां पर हम इसलिए आए थे क्योंकि देखिए पिछली बार भी जब उनको ले जाया जा रहा था सवाल पूछने के लिए सीबीआई के द्वारा, तो काफी सारे कार्यकर्ता, काफी सारे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ निकले थे, और यही देखिए इसी दफ्तर के बाहर ही सब मौजूद थे, लेकिन अभी यहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नजर नहीं आ रहा है, जिससे कि हम बात भी कर सके और ये पूछ सके कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को आज पेश होना था सीबीआई में, लेकिन मनीष सिसोदिया ने टाइम मांगा है और उनको लेटर लिखकर ये बोला है कि दिल्ली में बजट के चलते वो नहीं पेश हो पाएंगे, सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उनको थोड़ा समय चाहिए। अगर कोई यहाँ होता तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि शराब नीति, अगर जो घोटाला है वो नहीं हुआ तो शराब नीति वापस क्यों ली, और क्या घबरा गए हैं मनीष सिसोदिया सीबीआई के सवालों से, इसलिए वो पेश नहीं होना चाह रहे, क्या प्रिपेयर करना चाह रहे खुद को, ये सब सवाल हम करते, लेकिन अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, अगर कोई आता है तो मैं जरूर उनसे ये सब सवालात करूंगी। चलिए मनीषा, आप नजर बनाए रखें अपनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मनीषा डिडोरिया हमारी सहयोगी में जानकारी दे रही थी, नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़े थे, नमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर भारत को मिलेगी बड़ी सौगात। जी हां, हरियाणा के गोरखपुर में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात का ऐलान किया है, देश की न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने की तैयारी हो रही है, न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया है, देश की न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाने की तैयारी हो रही है, उत्तर भारत को मिलेगी बड़ी सौगात, तो न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान कर दिया है, हरियाणा के गोरखपुर में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है, कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है,
विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। आज शाम 5 बजे कोल्हापुर में अमित शाह की रैली होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे कोल्हापुर में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। केंद्र गृह मंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। दूसरा दिन है आज उनके महाराष्ट्र दौरे का। शाम 5 बजे कोल्हापुर में अमित शाह की रैली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। राज्यों का दौरा कर रहे हैं गृह मंत्री, साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तो एक साल पहले ही इलेक्शन मोड में नजर आ रही है बीजेपी, और लगातार चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, लगातार कई राज्यों के दौरे किए जा रहे हैं। शिवसेना विवाद पर अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह ने स्वागत किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले का। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। अमित शाह का कहना है, चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर अमित शाह ने निशाना साधा। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है और धनुष बाण उन्हें दोनों मिल गए। जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है कि सत्य किसके साथ है। तो अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अमित शाह कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, जिन्हें चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, पार्टी का नाम भी मिल गया है। शिवसेना विवाद पर अमित शाह का बयान सामने आया। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या, चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या, चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव आयोग ने बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गोरखपुर मंदिर परिसर में सीएम का जनता दरबार। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना। गोरखपुर मंदिर परिसर में सीएम का जनता दरबार, जिसमें आज लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए, लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, गोरखपुर में जनता दरबार लगाया गया है, लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी जारी किए। तो मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते रहते हैं, और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे कि वो जन समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही साथ जिनके साथ अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना योगी आदित्यनाथ ने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। शिव महापुराण कथा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में ये नहीं चलेगा कि कोई 10 बच्चे पैदा करे और कोई पीछे रहे। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता, तब तक हर सनातनी कम से कम 5 बच्चे पैदा करे।
जब कानून बन जाए तो सरकार के हिसाब से व्यवहार करें। जहां जहां सनातनी अधिक संख्या में होंगे वहां सब प्यार से रह सकेंगे, और जहां सनातनी बहुसंख्यक नहीं रहे वहां पर कोई भी आपस में लड़ पड़ेंगे, वो कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए कह रहा हूं भगवान विकर्मा बनाओ, पांच पांच गोद में खिलाओ, और ठाकुर जी कृपा कर दें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, तो सरकार के नियम को फॉलो करो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।